ठीक है दोस्तों, अब अपन जो पहला वीडियो अपन ने पढ़ा था लीनियर सर्चिंग का, अब जो सर्चिंग है वैसे वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो लीनियर और दूसरी होती है बाइनरी। तो अपन ने लीनियर जो बाइनरी सर्चिंग है इसका वीडियो देखेंगे। इसका वीडियो अपन ने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। सर्चिंग आप जानते ही हो, किसी भी लिस्ट में से एलिमेंट्स को सर्च करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्चिंग। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ, या आपका बाइनरी सर्च हो जाएगा। बाइनरी सर्च, इसकी जो विशेषताएं क्या है, बड़े डाटा सेट पे यूज लिया जाता है, बड़े डाटा सेट पर प्रयोग लिया जाता। ठीक है, फिर दूसरा है बहुत ही फास्ट गति से काम करता है। कैसे करता है, फास्ट रेस्पॉन्स, फास्ट गति से फास्ट रेस्पॉन्स देता है, यानी एलिमेंट्स को फास्ट सर्च करता है। ठीक है, फिर तीसरा है, ये क्या करता है, जो आपकी लिस्ट है उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, लिस्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, पहली है, जो पहली लिस्ट होती है लेफ्ट साइड, और दूसरी होती है वो राइट साइड। राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या होता है, जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं, यानी मैं ऐसे बोलूं सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट से छोटे होते हैं, छोटे एलिमेंट्स होते हैं, और इधर से सर्च एलिमेंट, अब इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सर्च, या सर्चिंग एलिमेंट से बड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो भागों का डिवाइड कर देता है। कैसे करता है, मिडल बाउंड कैलकुलेट करके। मिडल बाउंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, एल बी मतलब लोअर बाउंड और यू बी मतलब अपर बाउंड, यू बी मतलब अपर बाउंड। अब इन दो में फिर क्या करता है, दो का भाग दे देता है और इससे अपना मिडल बाउंड निकल के आता है। अथवा अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं तो इसमें क्या होगा, अपर बाउंड प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपका, या फिर ये होता है, इन दोनों से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, और ये बहुत फास्ट गति से काम करता है और तब तक सर्च करता जाएगा जब तक एलिमेंट्स मिल नहीं जाए। तो चलो इसकी एक वर्किंग प्रोसेस करके देखते हैं, हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम सोल्व करते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात जो होती है नेक्स्ट वाली है, जैसे मान लो जो भी नंबर का था, ये सिक्स नंबर का, केवल सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट पर कार्य करता है। अगर अनसॉर्टेड लिस्ट होती है तो ये वहां पे फेल हो जाता है। सॉर्टेड लिस्ट का मतलब है पहले से ये लिस्ट है, लिस्ट क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट है वो पहले से सॉर्टेड होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, चलो अपन इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। वन टू थ्री फाइव सिक्स, ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स है, यानी मैं ऐसे बोलूँ ये लिस्ट है अपने पास। अब इसको मैं सॉर्ट करता हूँ कैसे, जैसे मान लो मुझे फाइव को सर्च करना है, क्या करना है, फाइव को सर्च करना, तो मैं ऐसे बोल दूँ सर्चिंग जो एलिमेंट है, सर्चिंग किसको करना है, फाइव को।
अब ये क्या करेगा, पहले तो ये जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है, एल बी इक्वस टू जीरो, अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, फोर, यू बी इक्वस टू फोर। तो अपना फॉर्मूला क्या था, एल बी प्लस यू बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, एल बी प्लस यू बी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको जीरो प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आंसर आ जाता है, टू। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरा क्या है, मिडल बाउंड है, ये मेरा क्या है, एम बी, यानी मिडल बाउंड। अब जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, एक इधर के साइड जाएगा और एक इधर के साइड जाएगा। अब मैं सर्चिंग एलिमेंट जो अपना क्या है, फाइव है, तो ये फाइव से जो मिडल बाउंड है उससे राइट साइड में मिलेगा। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे ऐसे वो लिख देता हूँ, वन टू थ्री फाइव और सिक्स, ये मेरा मिडल बाउंड था क्या, टू, टू पे कौन सा एलिमेंट है, थ्री, तो ये मेरा हो गया एम बी। अब इससे देखो, अगर पाँच है तो ये केवल इधर ही सर्च करेगा, क्योंकि पाँच है वो तीन से बड़ा है, पाँच है वो तीन से बड़ा का। अब ये कंपेरिजन करता है, थ्री इक्वल्स टू फाइव, नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट क्या है, नॉट फाउंड। अब फिर ये क्या करता है, फाइव है उसका फाइव से कंपेरिजन करेगा, तो दोनों बराबर है, यस एलिमेंट इज फाउंड, इस प्रकार ये प्रोसेस चलेगी। अब फिर फाइव के बाद में जस्ट क्या आ जाता है, सिक्स, क्या आ जाता है, सिक्स, ये वाला सिक्स। अब सिक्स और पांच है बराबर नहीं है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, नो फाउंड, ये नॉट इक्वल। अब छः अगर पाँच से बड़ा है, नहीं है, यानी सॉरी पाँच है वो छः से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब अब छः के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पाँच से बड़े आएंगे। तो इस प्रकार जो एलिमेंट्स है ये केवल फाइव से फाइव को कंपैरिजन करते मैसेज दे देगा, एलिमेंट इज फाउंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई ये लिस्ट को दो भागों में डिवाइड करता है, मिडल बाउंड कैलकुलेट करता है, उसका फॉर्मूला ये है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाई टू। जीरो प्लस फोर किया मैंने, ये जीरो है और ये फोर है, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, ऐड किया तो क्या है, टू है। इसका मतलब है टू पे जो एलिमेंट है, टू पे जो एलिमेंट है, टू पे क्या है, थ्री है, तो थ्री से ये मिडल बाउंड हो जाएगा, और पांच जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो उससे इधर के साइड है, राइट साइड में। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, और आपको पता है कि भाई जो बाइनरी सर्च है केवल सॉर्टेड एलिमेंट्स पे काम करती है, तो इससे ये आगे बढ़ जाएगा और इस प्रकार ये सर्च करता हुआ जाएगा, कंपेरिजन करता हुआ जाएगा, और लास्ट में एलिमेंट मिल जाता है तो एलिमेंट फाउंड बता देगा, नहीं मिलता तो एलिमेंट नॉट फाउंड बता देगा। इसी के साथ आपका ये बाइनरी सर्च कम्प्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। हाँ, जिस भी पॉइंट पे या टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में वही बनाएं। और एग्जाम के हिसाब से बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन है, और इनसे अच्छा कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे मिल नहीं सकता, मिलता है तो फिर हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम नए वीडियो में मिलते हैं।